हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है फन विद्युतार में। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर कितने एम्पियर का लगाना चाहिए 44-40 के बोर्ड पे। तो ये मेरे जो ट्रांसफार्मर है, मैंने इसको खुद रिवाइंड किया। इसका एम्पियर लगभग 5 के आसपास होगा। मैं देख लेता हूँ, अभी आपके सामने दिखा देता हूँ आपको मैं। तो इसको मैंने वोल्टेज से कनेक्ट करना है पहले, ठीक है। और अभी जो मल्टीमीटर है, ये लगभग 10 एम्पियर तक का लोड ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर हम शॉर्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं कितना एम्पियर दिखाया गया है। तो ये देख सकते हो आप, लगभग 4.6 एम्पियर दिखा रहा है, 4.16 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब 4.25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। और 4.25 के ट्रांसफार्मर को इस पर लगाने के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रांसफार्मर लगाने से ये आईसी ख़राब हो जाती है। तो आज हम इसी ट्रांसफार्मर को लगा के देखते हैं ये कितना लोड लेता है। तो पहले इसके मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, करना क्या है। ये मैंने देखो, ये पिन लगा के इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और एक वायर जो है, इसमें मैं मल्टीमीटर का कनेक्शन कर लेता हूँ, ताकि मेरे को पता चलता रहे ये कितना एम्पियर लोड ले रही है, ठीक है। तो इसके कनेक्शन हम इसके साथ कर चुके हैं, और अभी इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कितना एम्पियर दिखा रहा है, 0.3 एम्पियर दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने स्पीकर कनेक्ट नहीं किया, मैं स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ। वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर देते हैं, अभी देखिए 0.24 एम्पियर। इसको एक घटाने के बाद कुछ नहीं, कम हुई, और दूसरे को हटाने के बाद अभी भी इतनी। मतलब अभी स्पीकर का कोई लोड इस पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने इस पर वॉल्यूम नहीं बढ़ाई है। अभी मैं इस पर वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, फिर देखना आप। फुल वॉल्यूम करने पे 1.3 एम्पियर के आसपास ले रहा है, मतलब 2 एम्पियर भी इसमें लोड नहीं आ रहा है अभी तक ट्रांसफार्मर में। मतलब दोस्तों देख सकते हो आप, अभी मैंने इसमें 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर गया, ये जो आईसी है अभी इसमें लोड ये 1.5 एम्पियर भी नहीं ले रहा है। 2 एम्पियर छोड़ो, दूर की बात है, 1.5 एम्पियर का लोड नहीं रहा, 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। अगर मैं यहाँ पे अगर 25 एम्पियर का भी लगा देता हूँ ना, तो ये 2 एम्पियर लोड नहीं लेगा, क्योंकि जितनी इस आईसी को रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही ये लोड लेता है, उससे ज्यादा लोड नहीं लेता है। क्यों, क्या होता है कि जो भी सर्किट बनाया जाता है उसको वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, उतनी वोल्टेज के अलावा वो उसके अलावा एम्पियर कभी नहीं लेते फालतू। अगर ऐसा होता, अगर फालतू एम्पियर ले रहे होते, मतलब ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाने पर ये जल रहा होता, तो आपके घर की जो सप्लाई है वो पता नहीं कब की जल गई होती, कब की खत्म हो गई होती। अभी देखिए, मैं इसमें लोड जो स्पीकर है ना, स्पीकर के कनेक्शन हटा देता हूँ, फिर देखना आप, मैं फुल वॉल्यूम करके आपको दिखाऊंगा। अभी देखो कितना लोड ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा। जो स्पीकर है, स्पीकर पे डिपेंड करता है, स्पीकर का रेजिस्टेंस 4 ओम और 400 वाट के लगभग बताया गया है। स्पीकर उनका मतलब 8 इंच स्पीकर है, वो लगभग इसके लिए एक्यूरेट रहते हैं। तो 8 इंच स्पीकर लगा के आप उसकी वॉल्यूम फुल करके आप आराम से चला सकते हो। वैसे जितने भी ये जो होम थिएटर के बोर्ड होते हैं, उनमें फुल वॉल्यूम के चलाने के लिए कोई भी कंपनी नहीं कहती कि फुल वॉल्यूम पे चलाओ आप, वो सभी कहते हैं लगभग 75 या 80 के आसपास वॉल्यूम रखनी चाहिए, उसमें आपको अच्छी क्वालिटी की बेस और साउंड मिलेगी। तो अभी देखिए, मैंने वॉल्यूम फुल कर रखी है, कोई भी इस पर लोड नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें अगर रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा, मतलब अगर कोई भी जो आईसी में कोई होता सिस्टम, मतलब अगर 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाने पे या 6 एम्पियर का लगाने पे आईसी का अगर ऐसे होता, तो आईसी अभी तक खराब हो गई होती फुल वॉल्यूम करने पे। देखो ये कुछ नहीं हो रहा है बीच में, तो मतलब अभी लोड में डालूंगा ना, तो इसमें एम्पियर का आपको इफेक्ट दिखेगा, देख लेना चाहिए। तो मैं इनकी लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझे पाया, उन हाथों
बताना चाहता हूँ कि आप जितना एम्पियर का चाहो उतना एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। मतलब आप देखो कि ट्रैक्टर की बैटरी होती है उसका एम्पियर कहीं पे लिखा नहीं होता, उस पर बस लिखा होता है कि 12 वोल्ट का है और उस पर जितना लोड डालते हो उसी के हिसाब से वो बैकअप देती है, मतलब 3 घंटे 4 घंटे उसी के हिसाब से चलती है। तो उसी हिसाब से आप ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर जितना भी लगाओ लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा आगे लोड कितना डालोगे उस पर डिपेंड करेगा। और अपने हिसाब से ऐसी अपने जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही एम्पियर लगेगी, उससे ज़्यादा एम्पियर नहीं लगेगी। जितना लोड आगे आगे बढ़ाते जाओगे उतना एम्पियर आगे इस पर बढ़ता जाएगा और उससे ये हीट होना हो जाएगी। मतलब हीट से आप खराब होने से बचाना चाहते हो तो हीट सिंक है जो यहाँ पे लगी होती है इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो अब क्या ऐसी जो बहुत कम चांस है खराब होने के, और ये लोड है बिल्कुल एक्यूरेट जितना ऐसी रिक्वायरमेंट करती है 400 वाट का 600 वाट का जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा दोगे तो आपकी ये खराब होने के चांस तब भी बढ़ता है। ट्रांसफार्मर से कोई डिपेंड नहीं करता ट्रांसफार्मर पर कितना एम्पियर का है, 5 या 6 या 7 या 8 9 10। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज आपको पता चल गया है कि आप इसमें कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप एक काम कीजिए, आप किसी बैटरी वाले मैकेनिक के पास जाइए और उससे पूछिए कि जो बड़ी बैटरी होती है उसका कितना एम्पियर होता है, और उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। मतलब अगर आप जाके उससे पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि बैटरी के एम्पियर लगभग 70 से 80 तक हो सकती है, क्योंकि वो उस पर लोड पर डिपेंड करता है कि उस पर कितना लोड है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।